ये बरुखेड़ा रोड है, और ये बरुखेड़ा रोड के जो है एक तरफ जो है एमपीबी कॉलोनी है, एमपीबी कॉलोनी एमपीबी ग्रिड है, उसके सामने एमपीबी कॉलोनी है जो खुले पड़े हुए हैं। यहाँ पे सरकारी ज़मीन है, यहाँ पर ये बेचारे लोग जो है मूर्ति बनाने का काम कर रहे थे, और ये लोग अपनी दिन भर की मूर्तियाँ बनाकर जो है रोज़ बेचने का काम करते हैं। इनके यहाँ से ये गाँव गाँव में जा जा के मूर्ति बना के बेचते हैं 100-150 रुपये मूर्ति में। कल इनके साथ में ग्वालटोली के किसी बादशाह नाम के व्यक्ति ने जो है जमकर मारपीट की, और कुलाड़ी से मारपीट की। इस कारण से जो है ये लोग बेचारे आज जो है अपनी जो है सब धंधे वंधे को खाली जो है समेट कर यहाँ से जा रहे हैं। ये काफ़ी 1-1.5 महीने से यहाँ पे अच्छी मेहनत कर रहे थे और जो है मूर्ति बनाने का काम कर रहे थे। क्या हुआ था भाई कल जो है आपके साथ में, क्या हुआ था कल? लेने गया सरफ, ऐसे बोला सरफ लेने गया, ऐसे बोला क्या मेरे को गुल्लक दे, इसने ऐसे बोला, मेरे देवर ने बोला गुल्लक नहीं है मेरे पास, मैं सामान लेना है, ऐसे बोला सामान नहीं दे तो मेरे को गाड़ी की चाबी दे, ऐसे बोला गाड़ी की चाबी नहीं है मेरे पास, गाड़ी मेरी नहीं मेरे सेठ की है, ऐसे बोला सेठ की, जरा सेठ कैसा मेरे को बता, ऐसे इसको पकड़ गया, इसके यहाँ पे फैट पकड़ ली, ये रोने लग गया, फिर ये आया मेरे दूसरा आया, दूसरा जना आया, ऐसे बोला क्या तू कौन है रे, क्या ज्यादा बोल रहा, क्या क्या बोल रहा अंकल जी, ये लड़का इसको क्यों मार रहा, मैं मेरी मर्जी में तो मारूंगा, और तू कहाँ पे रहने वाला, ऐसा करके इसको बहुत मारपीट की। तो आज इसलिए आप लोग खाली करके जा रहे हो, आपके साथ मारपीट करी थी? हाँ। ये बेचारे गरीब लोग हैं, इन लोगों को नीमच में कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिला, और इस कारण से ये लोग आज अपनी जो है जमीन और ये खाली करके जा रहे हैं। कोई बादशाह नाम का व्यक्ति है ग्वालटोली का। अब पुलिस प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। कुछ ये बता रहे हैं कि कुछ कुलाड़ी उलाड़ी लेके मारपीट करने आए थे। ले जाया था। अच्छा थे और 3 जने थे। ठीक है, धन्यवाद।